नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F22 वर्सेस Oppo A53 2020 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F22 में 6.3 इंच जबकि 53 2020 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F22 में 2.91 इंच जबकि 53 2020 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो F22 में 0.37 इंच जबकि 53 2020 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F22 में 203 ग्राम्स जबकि 53 2020 में 186 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F22 में सुपर AMOLED जबकि 53 2020 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F22 में 6.4 इंचेस जबकि 53 2020 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F22 में 83.52% जबकि 53 2020 में 82.87% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F22 में 274 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 53 2020 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F22 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 53 2020 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रोन कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F22 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 53 2020 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F22 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 53 2020 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F22 में माली G52 MC2 जबकि 53 2020 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F22 में MediaTek Helio G80 और 53 2020 में Qualcomm Snapdragon 460 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो F22 में अप टू 1TB जबकि 53 2020 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो F22 में एंड्रॉइड V11 जबकि 53 2020 में एंड्रॉइड V10Q देखने को मिलती है। बैटरी F22 में 6000mAh जबकि 53 2020 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो F22 में 2 कलर्स जबकि 53 2020 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F22 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीज़
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 53-2020 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,180 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी F22 में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A53 2020 की तो उसमें 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F22 आगे है, मेन कैमरा में F22 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F22 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y12s है, दूसरा Infinix Hot 10 है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G10 Power है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।